कुछ अनुभव सच पास का? सच पास मतलब जितने पास करे ना उसमें सबसे टफ था, और ऑफ रोडिंग का बाप है, आगे और भी एडवेंचर मिलने वाला है और बहुत ज्यादा टफ होने वाली राइड गाइस। तो जो इसकी हाइट है 14,500 फीट की हाइट है और 45 मीटर है, और भाई ठंडा मौसम हो रहा है, मजा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो नोमैड। तो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इस टाइम हूँ मैं डलहौजी में। तो आज है 2 अक्टूबर और सुबह के हो रहे हैं 8:10 समथिंग, कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे डलहौजी क्यों आया हूँ मैं, इसकी कहानी थोड़ी बताता हूँ आपको विस्तार से। तो यार एक और एडवेंचर राइड होने वाली है, और ये इस टाइम जो राइड होगी मेरी वो ना विंटर स्पीति से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक राइड होने वाली है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइड होगी आपकी बार जो होगी। तो अभी मैं हूँ डलहौजी में और अपन राइड करने वाले हैं अपनी 390 KTM एडवेंचर से। जयपुर से डलहौजी तक था मैं सोलो, और अब मैं जाने वाला हूँ मेरे साथ नईम भाई अपने उदयपुर से। तो नईम भाई जूते पहनते हुए भाई, बिल्कुल देसी आदमी देसी बंदा। तो भाई एक चीज बताओ, आज अपना क्या प्लान है, एक बार विस्तार से बता दो थोड़ा। भाई ये है कि यहाँ से हम निकलेंगे अभी डलहौजी से सचपास जाएंगे, लगभग 4-5 घंटे सचपास स्टॉप पे रुकेंगे थोड़ी देर, और फिर वहां से किलाड़ जाएंगे। जो राइड होने वाली वो डेंजरस है और बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाली, क्योंकि इस बार कोई ना तो कोई टूरिस्ट है उस एरिया में और ना ही कोई मिलेगा। कुछ भी हुआ खुदा ना खास्ता तो वहीं हमें अपने हथियार डालने पड़ेंगे भाई। ये कहानी है आज की। तो भाई बाइक रेडी हो गई और अपनी 390 एडवेंचर को अपने स्टार्ट कर दिया, और वन सेल्फ में स्टार्ट हो गई बाइक अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड है वैसे काफ़ी यहाँ। तो अपने पूरा पहन लिया है वैसे कपड़े वपड़े सारे, और जहाँ मैं रुका था उसका व्यू कुछ ऐसा है पीछे का। रास्ते कुछ व्यू दिखा देता हूँ, और आज जो हमारी राइड है वो है सच पास के लिए। तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सच पास का कम से कम डलहौजी से कुछ किलोमीटर है, 148 समथिंग, और मेरे साथ नईम भाई है अपनी FG पे जो दौड़ाते हुए लेके जा रहे हैं एकदम। वैसे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, इस साइड पहली बार आया हूँ मैं, तो लग रहा है यार एकदम व्यू शानदार वाले। आराम से बैलेंस बनाए चलो बस। ऑफ रोड स्टार्ट हो गया अभी से, आराम से निकल गए इजली भाई, ज्यादा स्पीड या ब्रेक दबाना बेकार है। ये भाई बड़ी तेज चलाता है, भाई गायब हो गया। अरे वाह क्या नजारा है, तीस 40 किलोमीटर की राइड कर देगी, और कुछ नाश्ता कर लेते हैं, बहुत देर हो गई, सुबह से कुछ खाया अभी तक। तीन कुछ ऐसे हैं कि बस नाश्ते के लिए रुके हैं, करते कुछ नाश्ता बढ़िया, और सामने से सीन भी अच्छे हैं। हाँ चाय परांठे बना लो, चाय परांठे, आलू प्याज के परांठे, खाने तो पराठा, आलू प्याज के परांठे, हाँ आलू प्याज कर देना मिक्स ना, हाँ दो कर दो भी, तो स्टॉप भर देना ये अच्छे से है ना। ये गरम गरम परांठे हमारे आलू के, तो नाश्ता हो चुका है थोड़ा, तो दो दो परांठे खाली, चाय पी ली, दो दो चाय, और निकलते हैं यहाँ से सच पास। 79 किलोमीटर और है, तो कम 3 घंटे और लगेंगे, 12 बजे अभी, तो 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, और खिलाड़ है वहाँ
तो जस्ट अभी एक गुड न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ बढ़िया वाली, कि मुझे लद्दाख में एंट्री के लिए कोविड की रिपोर्ट चाहिए थी, तो मैंने पठानकोट में टेस्ट करवाया था कल, उसकी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव। तो भाई अब जाएगा सीधा एंट्री में, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लद्दाख पूरा सर्किट कर सकते हैं अपन। 2 किलोमीटर और रह गए बैरागढ़, बस बैरागढ़ पहुंचने वाले हैं। काफ़ी टाइम लग गया बैरागढ़ पहुंचने वाले में, और बैरागढ़ की खूबसूरती देखो कैसी है। बाकी ये वाला जो बैरागढ़ वाला जो रूट है, ये पूरा टूटा हुआ रूट है, इससे पहले पूरा सही था रूट। और वही वादियाँ देखो, वादियाँ वादियों में आ गए वापस से। अरे वाह, माउंटेन्स, क्या लुक आ रहा है इनका, कहाँ कहाँ से हम, कहाँ कहाँ से आके हम बहुत हाइट पे आ गए, ऊंचाई पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। अब लग रहा है मज़ा, ये भाई देखो पहाड़ी क्या कटिंग कर रही है, और ये अटका किसके पड़े है भाई। तुम साथ रहा करो, तुम साथ रहा करो ना, साथ रहा करो, ध्यान देना फोटो, वहाँ गिर जाएंगे नीचे। तो हम पहुंचने वाले सचपास, यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर और होगा सचपास, अभी बैरागढ़ जस्ट क्रॉस किया हमने, तो 20-25 किलोमीटर और है। तो कुछ सीन्स आए थे अच्छे वाले, तो मैं बीच में रुके यहीं पे, तो एक बार और दिखा देता हूँ आपको बढ़िया सीन आके। और वहाँ वहाँ पर खड़े होकर हमने एक आध फोटो खिंचवाई है, जो कि मैं डाल दूंगा इस पर भी और इंस्टाग्राम पर भी डाल दूंगा। और भाई सामने के व्यू देख लो एक बार सामने के, और ये रही अपनी जो बाइक है, एकदम बुरी तरह से ऑफ रोड गया है पूरा आज, बहुत मस्त चल रही है अभी तक इस टाइम। ये 390, ये FZ, बहुत दोनों अच्छा बहुत चल रही है इस टाइम। क्या जी, यहाँ रुके हैं पानी पीने के लिए, तो ये जो नेचुरल जो वाटर होता है उसका पीने का मज़ा ही अलग है यार, और बिल्कुल चिल्ड चिल्ड भाई, नहीं चिल्ड है। चलिए तो ये है व्यू यहाँ से, इस तरीके से ये हमारी बाइक, और अभी जाना इस तरी इस साइड में। बाकी बरसात हो रही, बरसात बरसात हो रही हुई, तो गैस हैंडलिंग करते हैं भाई, पूरा मजा लेते हुए। Bad nights, I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the last night. I said some shit I can't take back. A little bit of something, you know that. Been 40 minutes now. I gotta quit. I guess I did it for the